दोस्तों गुड इवनिंग। फिर से देखिए मैं बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच गया हूँ। दोस्तों मैं बताऊंगा अभी जाके, अंदर भी जाकर बताऊंगा आपको प्लेटफॉर्म पर कौन सी कितनी ट्रेनें कहाँ जाती हैं, किस रूट से जाती हैं और कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। देखिए दोस्तों इस समय कितनी ट्रेनें छूटने वाली हैं। ये बरेली सिटी का रिजर्वेशन ऑफिस और टिकट काउंटर। एटीवीएम मशीन। दोस्तों यहाँ का टाइम टेबल, देखिए दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन खड़ी है जिसमें मैं हूँ, और 2 और 3 पर काठगोदाम जाने वाली ट्रेन है और जिस पर मैं खड़ा हूँ ये कासगंज को जाएगी। देखिए दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नज़ारा बरेली सिटी। देखिए दोस्तों यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा है। इधर चाहते तो एक प्लेटफॉर्म और भी बन सकता था, काफी स्पेस है। ये इज्जत नगर भोजीपुरा पीलीभीत काठगोदाम की तरफ रूट जाने वाला। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 4। देखिए दोस्तों कितनी दूर बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तो करीब में ही है और इतना गैप होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 ये है, और नीचे डेमो ट्रेन खड़ी है, अभी इसके अंदर से वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों दुर्गियाना एक्सप्रेस, जिसका अमूमन यहाँ पे बरेली जंक्शन में स्टॉप नहीं है। और ये बरेली जंक्शन होते हुए जाएगी अलग रूट से। देखिए दोस्तों ये डेमो ट्रेन के अंदर का नजारा। देखिए दोस्तों पूरी इंटरकनेक्टेड ट्रेन है डेमो ट्रेन। देखिए दोस्तों यहां से देखिए ये बरेली जंक्शन को रूट जाता है और वो जो किनारे रूट बना हुआ है ये मुरादाबाद की तरफ से आया है इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन। और ये देखिए कितना लंबा ओवरब्रिज है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये पीलीभीत की तरफ रूट जा रहा है, भोजीपुरा इज्जत नगर और काठगोदाम की तरफ। ही देखिए कितना ज्यादा कर्व है दोस्तों, आगे जाके और भी कर्व लेगी है भोजीपुरा से भी। और देखिए दोस्तों कितना गैप हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 में। यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म आसानी से बन सकता था, उसके लिए जगह भी बहुत थी। और दोस्तों मैं इसके बाद अभी भोजीपुरा का भी इसमें दिखाऊंगा कि वहाँ से पीलीभीत के लिए कैसे कटती है और काठगोदाम के लिए लाइन कैसे कटती है। तो भाई और दोस्तों ये थी बरेली सिटी से एक छोटी सी जानकारी।
और आने वाले समय में मैं बरेली जंक्शन का भी वीडियो बनाऊंगा। अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। तब तक की दोस्तों, अलविदा।